सोमा गैम्बियन से पढ़ रहे थे है ना। आज हम लोग पढ़ेंगे लाइफ साइकिल ऑफ ट्रैपिनो सोमा गैम्बियन से। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में जान चुके हैं कि इसका प्राइमरी होस्ट मैन होता है और सेकेंडरी होस्ट कौन होता है, सीसी फ्लाई। इसका दो होस्ट होता है, एक मैन और एक सीसी फ्लाई। इसका साइंटिफिक नेम होता है ग्लोसिना वेलिस। मैन का वो साइंटिफिक नेम क्या कहते हैं, होमो सेपियंस। डिजीज किस में होगा, मैन में होगा। ये हो गया इसका प्राइमरी होस्ट और ये हो गया इसका सेकेंडरी होस्ट। इसका मतलब किसका, नेक्टर का नहीं, ट्राइपैनोसोमा का। ट्राइपैनोसोमा गैमेंसी पढ़ रहे हैं तो ट्राइपैनोसोमा गैमेंसी का दो होस्ट हो गया, एक हो गया मैन, दूसरा हो गया सीसी फ्लाई। मैन है प्राइमरी होस्ट, सीसी फ्लाई है सेकेंडरी होस्ट। डिजीज जो काउज होगा, डिजीज जिसमें होगा उस किसमें होगा, मैन में डिजीज होगा, इसमें नहीं होगा। ये सिर्फ वेक्टर का काम करता है। वेक्टर कहने का बोले तो वेक्टर का मतलब वाहक का काम। जैसे एक जगह का संदेह दूसरे जगह पहुंचता है ना, उसी तरह इसका काम है कि एक जगह से डिजीज दूसरे जगह पहुंचाना। तो ये होता है ये सीसी फ्लाई का काम, यानी ये वेक्टर का काम करता है। तो अब हम लोग लाइफ साइकिल पढ़ेंगे कि इसका जो ट्राइपैनोसोमा का जो लाइफ साइकिल है वो मैन में कैसा होगा और सीसी फ्लाई में कैसा होगा। ये बिल्कुल कहानी जैसा है, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, सुना देते हैं। एक मैन है जिसमें कोई डिजीज नहीं है, यानी उसमें ट्राइपैनोसोमा गैम्बियंसी नहीं है, फ्री फ्रॉम ट्राइपैनोसोमा गैम्बियंसी। यानी एक मैन जिसमें कि कोई डिजीज नहीं है, ये रहा मैन, इसमें कोई डिजीज नहीं है। अब एक ऐसा सीसी फ्लाई जो जिसके अंदर में ये ट्राइपैनोसोमा गैम्बियंसी है, ट्राइपैनोसोमा गैम्बियंसी है, वो मच्छर क्या किया, यहाँ पे आ करके ये मच्छर इसको बाइट कर दिया, ठीक है। ये मच्छर क्या किया, इसको बाइट किया। ये मच्छर वो है जिसमें ट्राइपैनोसोमा गैम्बियंसी है, ठीक है। तो ये जो मॉस्किटो है ये हेल्दी पर्सन को बाइट किया। अब ये हेल्दी पर्सन को जैसे ही बाइट किया, सबसे पहले ये अपना सलाइवा डालेगा। सलाइवा डालने के दौरान ही इसके अंदर का जो ट्राइपैनोसोमा गैम्बियंसी होगा वो किस में चला जाएगा, अब मैन में चला जाएगा। और जैसे ही मैन में जाएगा तो मैन में जा करके मैन के ब्लड में वहाँ पे ये न्यूट्रिशन लेगा, होस्ट है इसका तो न्यूट्रिशन वहाँ से लेगा, खाएगा पिएगा, बाइनरी फीज एंड रिप्रोडक्शन करेगा, मल्टीपल फीज एंड रिप्रोडक्शन करेगा। रिप्रोडक्शन करने पर ये अपना नंबर बढ़ाएगा और जैसे ही ये अपना नंबर बढ़ाएगा तैसे इसका जो है ब्लड में बहुत ज़्यादा संख्या हो जाएगा, इसका नंबर और पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा कि ये जो ब्लड है, जो ये ब्लड है इसके ब्रेन में या ब्रेन के रीजन में सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट होता है, ब्रेन में सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। तो ये जो गैम्बियंसी है ये डायरेक्ट इफेक्ट करता है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड में। जो मैन है उसके सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड ये ब्लड सर्कुलेशन के दौरान, ब्लड क्योंकि ब्लड जो है वो ब्रेन तक भी हमारा पहुंचता है, तो जैसे ही ऐसा ब्लड जिसमें कि ट्राइपैनोसोमा गैम्बियंसी ये सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड तक पहुंचा, यहाँ पे आकर के वो स्टोर हो गया। तो इसमें अगर तो कोई भी चीज़ है, जैसे एक पाइप है इसमें वाटर का फ्लो हो रहा है या ब्लड का फ्लो हो रहा है, यहाँ पे हम स्टोर हो गया तो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड का जो फंक्शन होगा वो स्टॉप हो जाएगा और इसके कारण क्या होगा कि जो मैन है वो इनएक्टिव हो जाएगा, लेथार्जी हो जाएगा। मेंटल एबिलिटी उसका रिटार्ड कर जाएगा, कम हो जाएगा, थिंकिंग कैपेसिटी कम हो जाएगा, सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाएगा, तुरंत कुछ चीज़ों को सुन के रिएक्ट कैसे करना है वो चीज़ एबिलिटी खत्म हो जाएगा, क्योंकि जो भी थिंकिंग कैपेसिटी है हमारे ब्रेन रीजन से ही वो चीज़ एक्टिवेट होता है, वो चीज़ कंट्रोल होता है। अगर वहाँ पे ही अगर बाइंड हो जाए, वो रुक जाए तो वो चीज़ एबिलिटी खत्म हो जाएगा। तो ऐसा आदमी इनएक्टिव, लेथार्जी, मेंटल एबिलिटी रिटार्ड हो जाएगा इसका, तो जिसके कारण ये डिजीज फेटल भी, कॉमा में जा सकता है जो मैन है, और इसके कारण डेथ भी हो सकता है। हेंस ट्राइपैनोसोमा इज अ फेटल डिजीज, इसलिए ट्राइपैनोसोमा क्या है, फेटल डिजीज है। तो ये हो गया लाइफ साइकिल इन मैन, मैन में इस तरीके का लाइफ साइकिल होगा। अब है कि सीसी फ्लाई के अंदर क्या होगा, ठीक है। तो अब ये पर्सन जो था, जो पहले डिजीज फ्री था, हेल्दी था, वो क्या
डिजीज्ड हो गया कि नहीं हो गया, डिजीज्ड हो गया। अब ये डिजीज्ड पर्सन है, अब कोई ऐसा मॉस्किटो जिसके अंदर कोई ट्रैपेनोसोमा नहीं हो, इसके ब्लड सर्कुलेशन में तो अब ट्रैपेनोसोमा घूम रहा है। अब ऐसा कोई मॉस्किटो आ जाए जिसमें कि ये डिजीज ट्रैपेनोसोमा जो है वो ना हो और वो इस डिजीज पर्सन को बाइट किया, इस डिजीज पर्सन को बाइट किया, तो अब क्या हुआ कि इसके अंदर का जो ब्लड में सर्कुलेशन में ट्रैपेनोसोमा घूम रहा था, अब मच्छर जो इसको काटेगा तो ये क्या होगा, अब पहले सलाइवा डाल, तो ये जो मेन डिजीज था इसमें पहले से ही ब्लड सर्कुलेशन में ट्रैपेनोसोमा घूम रहा है। अब कोई मच्छर आया, कोई मॉस्किटो आया, कोई सीसी फ्लाई आया जिसमें कि कोई भी ये ट्रैपेनोसोमा की एमेंसी नहीं है, अब वो क्या किया, इस जो डिजीज पर्सन ने इसको बाइट किया, बाइट करने के बाद इसके ब्लड सर्कुलेशन में जो ट्रैपेनोसोमा घूम रहा था, अब ये किसके पास चला गया, जो हेल्दी मच्छर है उसके चला गया। अब वो हेल्दी तो रहा नहीं, उसके अंदर अब क्या हुआ, जो ट्रैपेनोसोमा चला गया वहाँ पे इसका रिप्रोडक्शन होगा, तो रिप्रोडक्शन वहाँ पे होगा। रिप्रोडक्शन होने के साथ साथ क्या होगा कि उसमें रिप्रोडक्शन होगा, रिप्रोडक्शन होते तो उसमें एक डाइसिस होगा। एक डाइसिस का प्रोसेस कहते हैं कि एक कंडीशन में वो इनएक्टिव था लेकिन उसके आउटर लेयर जब डिसॉल्व हो गया तो वो एक्टिव में कन्वर्ट हो गया। तो अब वो क्या हो गया, एक्टाइसिस होने के बाद वो जो स्टमक में जाकर के जो ट्रैपेनोसोमा बैठा हुआ था, अब वो आ गया सलाइवरी ग्लैंड में, मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड में आ गया। अब वो मॉस्किटो जब किसी हेल्दी पर्सन को बाइट करेगा तो वहाँ से क्या होगा, वहाँ पहुँचेगा। तो इस तरह से जो मॉस्किटो है जिसमें ट्रैपेनोसोमा था, हेल्दी पर्सन था, यहाँ पे बाइट किया, इसको डिजीज बनाया। अब कोई मॉस्किटो ऐसा होगा जिसमें नहीं होगा, वो इसको बाइट करेगा तो ये ट्रैपेनोसोमा मच्छर में गया, फिर वो जिसको काटेगा वो उसमें गया। तो इस तरीके से इसका लाइफ साइकिल अपना चलता रहता है। तो इस तरीके से ये मैन में और सीसी फ्लाई में अपना लाइफ साइकिल कम्प्लीट करता है। तो ये हो गया लाइफ साइकिल। अब इसके कारण कौन सा डिजीज होता है, ये तो फर्स्ट क्लास में बताया है। इसके कारण ट्राइपेनोसोमियसिस डिजीज होता है जिसको कॉमनली गैम्बियन फीवर भी कहते हैं या ट्राइपेनोसोमियसिस या फिर स्लीपिंग सिकनेस कहते हैं। स्लीपिंग सिकनेस जो ये ट्राइपेनोसोमा गैम्बियंसी के कारण होता है इसको कहते हैं अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, बिकॉज दिस आर फाउंड इन मोस्टली अफ्रीकन रीजन लाइक कॉन्गो और निगरिया। ये ज्यादातर कॉन्गो और निगरिया यानी कि अफ्रीकन जो रीजन है वहाँ पे पाया जाता है, इसलिए यह डिजीज जो है यह एक प्रोटोजोअन डिजीज है, ये प्रोटोजोआ से बिलोंग करता है, इट इज प्रोटोजोअन डिजीज। तो ये प्रोटोजोआ के कारण जो डिजीज होता है इसको कहते हैं स्लीपिंग सिकनेस। और कौन सा स्लीपिंग सिकनेस, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, कौन सा स्लीपिंग सिकनेस, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस कहते हैं। अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस जो होता है वो प्रोटोजोआ के कारण होता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक है, प्रोटोजोआ के कारण होता है। एंड वन अनदर स्लीपिंग सिकनेस ऑल्सो अकर्स ड्यू टू वायरस के कारण भी एक स्लीपिंग सिकनेस डिजीज होता है, लेकिन उसको कहते हैं अमेरिकन स्लीपिंग सिकनेस डिजीज। तो अफ्रीकन और अमेरिकन में डिफरेंस है दोनों स्लीपिंग सिकनेस में। अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस प्रोटोजोआ के कारण होता है, कौन सा प्रोटोजोआ, ट्राइपेनोसोमा गैम्बियंसी के कारण, जबकि अफ्रीकन अमेरिकन स्लीपिंग सिकनेस जो होगा वो वायरस के कारण होगा और उसको कहेंगे अमेरिकन स्लीपिंग सिकनेस, ठीक है। अब इसका ट्रीटमेंट, इसका पहले टेस्ट जानते हैं कि इसका टेस्ट क्या किया जाता है इसका अगर हुआ तो इसके लिए ब्लड स्टेनिंग टेस्ट होता है, ब्लड स्टेनिंग टेस्ट होता है। तो ब्लड स्टेनिंग टेस्ट क्योंकि इसके ब्लड में ही पूरा ये मूव करता रहता है, तो जब ब्लड स्टेनिंग टेस्ट करेंगे तो पता लग जाएगा कि इसमें ट्रैपेनोसोमा है या नहीं है। दूसरा है कि इसका जो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड है, इसका जो ये हैबिट ही है कि ये पूरा मल्टीपल रिप्रोडक्शन करके ये जाके यहाँ पे स्टोर हो जाएगा सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड में, तो ये भी जब यहाँ से हम निकाल करके इसको आइसोलेट करके चेक करेंगे तो यहाँ से भी हमें पता चल जाएगा कि ये डिजीज वायरस के कारण है या फिर प्रोटोजोआ के कारण है। तो ये हो गया इसका टेस्ट। अब इस टेस्ट है तो इसको ट्रीटमेंट क्या देते हैं, यानी कि मेडिसिन क्या देते हैं। तो वैसे ये जो डिजीज है ये जल्दी क्योरेबल नहीं होता है, इसके ट्रीटमेंट में वेयर 205 सरनीन सोडियम या एटोग्री, ये कुछ मेडिसिन है जो कि इसके ट्रीटमेंट में दिया जा सकता है बट इन प्राइमरी स्टेज,
बट इन मल्ली प्राइमरी स्टेज। सर प्राइमरी स्टेज यानी कि अगर स्टार्टिंग में पता चल जाए कि ट्राइपेनोसोमा के कारण डिजीज हुआ है, तो स्टार्टिंग में हम इस मेडिसिन को दे करके इसका जो एक्टिविटी है उसको कम कर सकते हैं। लेकिन अगर सेकेंड स्टेज में पता चले तो ये क्यूरेबल नहीं होगा, जिसके कारण ये डेथ भी हो सकता है। तो ये हो गया इसका ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में बेयर 205, सरनीम, सोडियम या फिर एटॉक्सिलिन मेडिसिन है जो इसके ट्रीटमेंट के लिए दे सकते हैं, बट ओनली इन प्राइमरी स्टेज। सेकेंडरी स्टेज आर नॉट क्यूरेबल विच इज फेटल, जिसके कारण मैन कोमा में चला जाता है, और कोमा के बाद क्या होता है तो पता ही है कि आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाता है। ठीक है, ये हो गया ट्रीटमेंट। अब इसके लिए प्रिवेंशन इसके लिए कुछ ज्यादा नहीं है, जैसे हम लोग इससे पहले इसमें पढ़े लेस्मेनिया में प्रिवेंशन पढ़े, वैसे ही प्रिवेंशन इसमें है। तो जनरली जो ट्राइपेनोसोमा रहता है एंटीलॉप कैटल वगैरह के ऊपर रहता है, ठीक है, जो भी पालतू है उसके ऊपर में रहता है एंटीलॉप कैटल। तो जो एनिमल अगर कोई डोमेस्टिक केटेड एनिमल पालता है उसको टाइम टू टाइम फ्यूमिगेशन देना चाहिए, नीट एंड क्लीन रखना चाहिए, साफ सुथरा रखना चाहिए आसपास, ताकि इसका फ्लोरिस ना हो पाए, इसका चीजों से दूर रहेंगे उतना हमारे लिए अच्छा होगा। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत